जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस यात्रा के पार्ट तीन में, जहां मैंने पार्ट वन में चेन्नई से विजयवाड़ा तक का सफ़र पूरा किया था और पार्ट दो में विजयवाड़ा वारंगल होते हुए नागपुर तक का सफ़र पूरा किया था, जो कि रात के 9 बजे करीब आता है। और आज पार्ट तीन में ग्वालियर से निजामुद्दीन तक का सफ़र पूरा करूंगा, जहां उत्तर भारत में इतना कोहरा होता है कि सारी ट्रेनें लेट चलती हैं और आपको ट्रेन के सामने वाला सिग्नल भी नहीं दिखेगा। जहां राजधानी एक्सप्रेस कोहरा के छाती को चीरते हुए दिल्ली पहुंचती है, जहां रास्ते में हमारी मुलाकात होती है सियार राजधानी के साथ। सुबह का नाश्ता खाते खाते हमारी सफ़र कटती है। चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। यह है चेन्नई राजधानी का पार्ट थ्री, बाकी पार्ट वन पार्ट टू आपको चैनल पे मिलेगा और नहीं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं यात्रा की। जय श्री कृष्णा और गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6, थोड़ी देर में हम लोग ग्वालियर पहुंचने वाले हैं। फॉग टाइप का दिख रहा है, देखो बाहर एकदम फॉग है। अब हम लोग एमपी में हैं। जब तमिलनाडु से निकले थे तब ठंड नहीं था, लेकिन नॉर्थ में आते आते ठंड एकदम बढ़ गया। चलिए सुबह की शुरुआत कॉफ़ी के साथ। अब हम लोग ग्वालियर पहुंचने वाले हैं और मैंने ले लिया एक कप कॉफ़ी। कॉफ़ी को पीते हैं ताकि भाई नींद मत आए। कॉफ़ी तो अच्छी है, बस उसको अच्छे से घोलना है और ये अच्छे से बन जाएगा। और ये एक बड़ा मुझे 25 रुपये का, जो प्रीमिक्स वाला है, प्रीमिक्स वाला जो बिकता है ना वही वाला है जो अच्छा है। थोड़ी देर में हम लोग ग्वालियर पहुँचने वाले हैं, वेट कर रहे हैं। मैं दूसरे साइड खड़ा था और इस साइड में एक ट्रेन खड़ी है, जबलपुर हज़रत निज़ामुद्दीन। देखो यार एकदम फॉग ने इसको ढक दिया पूरा। मैं दूसरे साइड खड़ा था केरला एक्सप्रेस के लिए, इधर मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति निकल गई।
अब जाके निकल रही है केरला एक्सप्रेस। अब हम लोग पहुँचे हैं ग्वालियर और यहाँ राजधानी का टाइम था 6:23 और यहाँ ट्रेन पहुँची है 7:13, यानी कि 50 मिनट डिले और यहाँ ट्रेन का ना सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। ठंड देख लो भाई साहब, मध्य प्रदेश में ठंड देख लो, कोहरा की वजह से ट्रेन 50 मिनट डिले हो चुकी है भाई। ये तो राजधानी की बात है कि 50 मिनट डिले हुई है। अब सोचो मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति, वो तो 2 घंटा लेट थी, उसके बाद केरला एक्सप्रेस जो गई है वो कम से कम 6 घंटा डिले थी, शायद 6 घंटा शायद डिले थी। और कितना घंटा डिले थी मैं आपको वो नीचे दिख रहा होगा कितने घंटे डिले थी, मतलब वो जब निकली होगी तब। ये सब कोहरे की वजह से इतना डिले हो रही है ना, देख लो ये बन रहा है रेलवे स्टेशन ना, पूरा खतरनाक तरीके से बन रहा है। ये अभी बना नहीं है, ये शायद ओवर ब्रिज है, फ्लाईओवर, फुट ओवर जो भी है। चलो सिग्नल तो हो गया, आवाज़ आ रहा है मेरे को, कोई ट्रेन आ रही है शायद, ग्रीन कोई बूस्टेड होगी। ग्वालियर बिना दामो पैसेंजर शंट हो रही है ग्वालियर में। सामने मेरे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन आगरा के केरला हजरत निजामुद्दीन को जाने वाली गाड़ी कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म पर आएगी। हमारे पीछे पीछे सीआर राजधानी भी आ रही है। मुंबई CSMT हजरत निजामुद्दीन सीआर राजधानी भी पीछे पीछे आ रही है, लेकिन हमारी राजधानी से पहले है ना। क्या कलरफुल लोकोमोटिव है यार, डीजल लोकोमोटिव गांधीधाम का एकदम कलरफुल। जहाँ ट्रेन की सारी गंदगी डस्टबिन में न डालकर ट्रेन के बाहर फेंक दिया जाता है। इस ट्रेन में देखो सुबह के बज रहे हैं 9, बाहर है कोहरा और इधर हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। ब्रेकफास्ट में देखो आज भेजे हैं, कल हमने नॉनवेज लिया था, आज भेजे ये वेज कटलेट, इसमें ब्रेड है, ये मैंगो ड्रिंक, सॉस, टिकट, वही जो रहता है बटर स्पून। टेस्ट को चेक करते हैं कैसा है फिर बताएंगे आपको।
पहले इसको बनाते हैं क्योंकि इसमें ब्रेड में बटर लगाना पड़ता है, इसलिए एक हाथ से नहीं हो पाएगा, दोनों हाथ से करते हैं। देखो सैंडविच तैयार करने का तरीका, ये बटर मैंने ब्रेड में लगा दिया, उसके बाद ये जो कटलेट था कटलेट इसमें ऊपर रखा, उसके बाद सॉस डाला और इसमें भी ब्रेड है, अब इसको बटर ब्रेड इसमें एक रखा, ये बन गया सैंडविच। चलो इसको ट्राई करते हैं, ट्राई करके बताता हूँ कैसा है। हॉट वाटर, थैंक यू। देखो सैंडविच तो एकदम ज़बरदस्त बना, एकदम फर्स्ट क्लास सैंडविच बना है। चलो अब इसको फिनिश करते हैं। इसमें तो चाय बनाना है तो आपको पता है कैसे बनाना है, अब एक ही चीज़ को बार बार दिखाना ज़रूरी नहीं है, सबको डालेंगे इसके अंदर, चाय बनेगा, ख़त्म करेंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप आगरा कैंट, वो दिखाएंगे आपको। ढोलपुर जंक्शन सुबह सुबह क्राउड देख लो भाई, मस्त क्राउड है। और आप लोग बताओ मुझे ये ट्रेन कितनी लेट हो चुकी है राजधानी एक्सप्रेस, मैं आगरा कैंट में बताऊंगा आपको। लगभग 9:30 बज चुके हैं लेकिन अभी भी कोहरा वैसे का वैसा ही, कोहरा ना तो कट रहा है ना तो कटने का नाम ले रहा है। ट्रेन की स्पीड ज़्यादा नहीं है जबकि ये सेक्शन 160 वाली है, लेकिन यहाँ चल रही होगी लगभग 80 के आसपास, 80-100 के आसपास। देख लो भाई बाहर कोहरा, कोहरा देख के ही पता चल रहा होगा कितना ठंड होगा यहाँ, इसलिए बाहर मोबाइल निकाल भी नहीं पा रहा हूँ इतना ठंड है, हाथ भी कांप रहे हैं मेरे तो ठंड के मारे। हज़रत निज़ामुद्दीन मैसूरू स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, अभी मिस होने वाले थे मेरे से। बाहर इतना ठंड है कि भाई हाथ निकालना मुश्किल हो रहा है। सामने से एक और ट्रेन आ रही है, देखते कौन सी ट्रेन है। वेब 7 के साथ
अब जाके कोहरा थोड़ा हल्का हुआ है, क्योंकि वो देखो सूरज निकल रहा है। सूरज निकल तो बहुत पहले गया था, बट अब उसकी रोशनी पहुंच रही है, जिसकी वजह से कोहराया गर्म हुआ। छत पे बंदर बैठे, देखो मिलिट्री वाली सारी गाड़ियाँ जो हमारे देश को बचाती हैं, सरहद पे रह के हमको चैन से सुलाती हैं, ये उनकी सेवा के लिए। इनको देखते ही गर्व होता है यार, इंडियन आर्मी। अब हम लोग आगरा कैंट पहुंच चुके हैं। इधर मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि इधर भीड़ ज़्यादा है। वहाँ देखो एक और राजधानी, शायद सीआर राजधानी है। हाँ सीआर राजधानी, सबसे पहले सीआर राजधानी देख लो, छत्रपति शिवाजी हजरत निज़ामुद्दीन, राजधानी सीआर, दोनों एक साथ। अब हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा कैंट। यहाँ स्टैंड का पहुंचने का टाइम था 7:30 और यहाँ ट्रेन पहुंची है 10:30, 3 घंटा डिले। और यहाँ स्टैंड का 2 मिनट, यहाँ स्टैंड का 5 मिनट का हॉल्ट है, 3 घंटा डिले पहुंची है ट्रेन। भाई राजधानी है फिर भी पहुंचने का कारण एक ही है, वो है कोहरा। कोहरा के कारण ये ट्रेन इतनी लेट हुई है। और साथ में मुलाकात हो गई हमारी राजधानी एक्सप्रेस सीआर राजधानी के साथ, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। देख लो क्राउड, यार राजधानी आगरा कैंट से निकल गई है। और इसके पीछे एक लोकोमोटिव लगा हुआ है, ये बैंकल लोकोमोटिव, क्योंकि इसमें पुश पुल वाली टेक्नोलॉजी यूज़ होती है ना, इसीलिए। राजधानी और फिर 2 मिनट में हमारे ट्रेन का भी डिपार्चर हो जाएगा, 10:33 हो रहे हैं। इसी के बाद कम से कम अभी ये जब तक 2 किलोमीटर के बाद नहीं जाते तब तक इस पर भी जर्नी आने वाला है बहुत जल्द। चैनल पे बने रहना, आएगा इस पर जर्नी। पुश पुल टेक्नोलॉजी होते दिखाए, पुश पुल टेक्नोलॉजी कल्याण का Web 7। आगरा का फ्लेवर देख लो भाई, बेटारो बेटारो। कौन कौन सा फ्लेवर है भैया? अंगूरिया, केसर, पाइनएप्पल। 3 प्रकार वाला है ना? कितने का ये? 120 का 100 का। 150। ये कौन सा वाला है? ये गुलाब पेटा है। गुलाब पेटा, यही ठीक है। ये आपको? हाँ हाँ, ये देख लो भाई, आगरा का फेमस पेठा। चलो हमने ये ले लिया है। ये कौन सा फ्लेवर पता है? पाइनएप्पल ना, ये पाइनएप्पल फ्लेवर ना, ये पाइनएप्पल फ्लेवर। मैंने अपना वाला मैंगो ड्रिंक उसको दे दिया, चलो कोई बात नहीं। और कितनी बार में हो, चलो जाओ। अरे दे तो दिया उनको, चलो जाओ जाओ। अब नहीं, जाओ 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 जाओ, चलो दे तो दिया। लाइए, धन्यवाद। ये मैंने पेठा ले लिया अपने फैमिली के लिए,
इसको यहाँ रख लेते हैं। चलो आगरा से भी रवाना हो गई अपनी ट्रेन। और यहाँ कम से कम 10 मिनट रुकी है, क्योंकि इसके पहले सियार राजधानी को निकाला गया था, तो जब तक वो डिस्टेंस कवर नहीं करता तब तक तो इसको भी नहीं निकाला जाएगा ना। और ऐसे लोगों को क्यों छोड़ देते हैं ना लोग, ऐसे कि बच्चे लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म पे क्यों छोड़ देते हैं। राजा की मंडी वो लाइन आपको दिख रही, चलिए थोड़ी देर में मथुरा में मिलते हैं आपसे, मथुरा जंक्शन की स्किप करते हुए। अमृतसर विशाखापट्टनम हीराकुंड एक्सप्रेस।
कृष्ण जन्मभूमि मथुरा जंक्शन को स्किप करते हुए राजधानी एक्सप्रेस। मथुरा जंक्शन से आपको अगर वृंदावन जाना है तो आप इसी रूट पे जा सकते हो, और नहीं तो मथुरा जंक्शन से थोड़ा सा आगे आपको रेल बस की सुविधा ही मिल जाएगी वृंदावन के लिए। अब थोड़ी देर में हम लोग वृंदावन को भी क्रॉस करेंगे। देख लो भाई मंदिर, यहाँ इतने अच्छे अच्छे मंदिर हैं। वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन पर क्रॉस कर रहे हैं। अब मेरे साथ बोलिए राधे राधे। आप लोग यहाँ उतर के वृंदावन जा सकते हैं। वृंदावन रोड रजत निजामुद्दीन में एंटर कर रहे हैं। बहुत देर से वेट कर रहा था। और सामने खड़ी है राजधानी। अच्छा, जो राजधानी भी आई वही राजधानी खड़ी है, सीआर राजधानी खड़ी है। चलो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं हज़रत निज़ामुद्दीन, और यहाँ पहुंचने का टाइम था 10:30 पर, लेकिन यहाँ ट्रेन पहुंची है 3 घंटा डिले। अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है क्योंकि मेरी शाम की ट्रेन है न्यू दिल्ली से, वो भी डिब्रूगढ़ राजधानी, इसलिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं यहाँ से लोकल लेके जाने वाला हूँ न्यू दिल्ली। लोकल या तो कोई सभी मेल एक्सप्रेस का कोई सभी लेके यहाँ से जाऊँगा न्यू दिल्ली। अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, 1.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसके बाद का वीडियो
आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं न्यू दिल्ली। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।